गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज की क्लास में बच्चों हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पार्ट टू के बारे में बताएंगे। पार्ट वन इसका अपलोड हो चुका है, जाइए और उसको देखिए। वहीं पार्ट वन जहाँ से खत्म हुआ था 43 अनुच्छेद से, उसी का 43A अनुच्छेद जो ऐड होता है, वहीं से आज हम पार्ट टू क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास में अनुच्छेद 43A को समझते हैं। इसमें कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मतलब जो राजनीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, यानी नीति निर्देशक जो होते हैं, वो राज्य में जितने भी श्रमिक होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं, उसको सूचित, मतलब उसको भागीदारी जो होता है उसको सुनिश्चित करते हैं। मतलब वो कितना काम करेगा, क्या करेगा, किस हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा, सब कौन करता है, नीति निर्देशक ये सब करते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों अनुच्छेद 44, इसमें कहता है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए एक जैसी सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगी। अब इसमें सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा सिविल संहिता लागू करने का मतलब होता है एक समान सबको रहेगा। मान लीजिए एक समान सबको सब कुछ दिया जाएगा पूरा राज्य में, चाहे आप कोई भी धर्म का हो, इसके मतलब होता है सिविल संहिता का मतलब होता है एक समान, चाहे आप कोई भी धर्म का हो उसको एक समान अधिकार मिलेगा। तो अनुच्छेद 44 में यही कहता है कि राज्य के जितने भी नागरिक होंगे सभी को एक समान सब कुछ मिलेगा। और अनुच्छेद 45 कहता है कि निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब जितना भी बालक बालिकाएं होंगी, जितना भी होंगे, सभी को क्या दिया जाएगा, कोई भी धर्म का हो सबको क्या दिया जाएगा, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सभी को प्रदान किया जाएगा। ये हमारे नीति निर्देशक का कार्य होता है। चलिए बच्चों आगे के अनुच्छेद हम लोग आगे देखते हैं। बच्चों अब हम अनुच्छेद 46 आप लोगों को समझाते हैं। इसमें देखिए, इसमें बोलता है राज्य के अनुसूची, अनुसूची मतलब होता है एससी छोटा कास्ट, उसके बाद होता है अनुसूचित जाति यानी होता है एसटी, अनुसूची और अनुसूचित जाति होता है एससी एसटी, जाति के कल्याण के लिए कार्य करेगी और शिक्षा में भी वृद्धि करेगी। मतलब अनुसूची जाति अनुसूची जनजाति का जो कल्याण का जो कार्य होता है वो राज्य के नीति निर्देशक ही करते हैं, और उसके उसके बच्चों लोगों को शिक्षा में भी वृद्धि कार्य करने का कार्य कौन करता है, राज्य के नीति निर्देशक। उसके बाद चलिए बच्चों हम आप लोगों को अनुच्छेद 47 समझाते हैं। देखिए बच्चों, इसमें बोलता है कि राज्य में स्वास्थ्य को सुधार और मादक पेय पदार्थ पर भी प्रतिबंध लगाएगी। अब इसमें तो समझना होगा पहले आप लोगों को मादक पेय पदार्थ क्या होता है। मादक पेय होता है पदार्थ जो होता है, जैसे वाइन, वाइन को ही हिंदी में मादक पेय पदार्थ बोला जाता है, तो उसमें भी प्रतिबंध लगाएगी, कितना कितना बिकेगा, कितना में दाम रहना चाहिए, ये सब किस लाइसेंस से बेचना चाहिए, ये सब सारे प्रतिबंध कौन लगाते हैं, सब देख रेख कौन करता है, राज्य के नीति निर्देशक। और इस और क्या कहता है, स्वास्थ्य सेवा को भी सुधार कर कौन करता है, राज्य के नीति निर्देशक। ये हमारे सारे प्रावधान किसमें लिखा गया, अनुच्छेद 47 में। चलो बच्चों अब हम आप लोगों को 48 को समझाते हैं, बस ध्यान से देखते रहिए, आप लोगों को एक एक चीज समझ में आएगा। जैसे कि इसमें कहा गया है कि राज्य में कृषि पशुपालन को बढ़ावा देने का कार्य कौन करेगा, राज्य के नीति निर्देशक। और गौ हत्या मतलब गाय माता की जो हत्या करते हैं उस पे भी क्या लगाएंगे, रोक लगाएंगे, कौन लगाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो हम एक बार बोर्ड पर पढ़ाते हैं बच्चों, इसको बिना देखे आप लोग एक बार नोट्स में लिखिए अपना, और नहीं तो हम PDF तो देंगे ही बच्चों, इसलिए लिखिएगा तो आप लोगों के लिए ही फायदा है। चलिए बच्चों अब हम आपको अनुच्छेद 48A बताते हैं जो ऐड हुआ है। इसमें बोला गया है कि राज्य के पर्यावरण और जीवों की सुरक्षित करेगी। मतलब राज्य में जो पर्यावरण होगा, जैसे कि प्रदूषण फैल रहा है, ये सब सारे ध्यान कौन देता है, राज्य का, राज्य के नीति निर्देशक, और उसको सुरक्षित करेगी। और राज्य में बायो रिजर्व और वन अभयारण्य की भी स्थापना करेगा, कौन करेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इतने सारी बातों का आपको याद रखना है, ये अनुच्छेद 48A जो बाद में ऐड होता है। ए कहने का मतलब होता है ये संशोधित किया गया है, ए कहने का मतलब होता है ये क्या किया गया बच्चों, संशोधित किया गया है, तो ये बाद में क्या होता है, ऐड होता है। तो ये सब इतना ही, और दो तीन और अनुच्छेद बचा हुआ है, तब ये राज्य की नीति निर्देश तत्व खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आप लोगों को मौलिक कर्तव्य समझाएंगे।
आपको लाइन वाला एंड पॉलिटी पढ़ा रहे बच्चों। अगर आप लोग कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट सब्जेक्ट जैसे पीटी एग्जाम में पॉलिटिक होता है बच्चों, ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होता है, झारखंड जीके होता है, सब हम पढ़ाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम पॉलिटिकल साइंस पर ध्यान दे रहे हैं। आप लोग डिमांड नहीं कर रहे, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे। जिस दिन कमेंट कीजिएगा बच्चों, उस दिन न्यू सब्जेक्ट हम पक्का स्टार्ट कर देंगे। इसको भी लेते हुए हर दिन 2-3 क्लास लेंगे। आप लोग बस कमेंट कीजिए। चलिए बच्चों, अब जो 2-3 अनुच्छेद बच गया उसको हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, हम अनुच्छेद 49 को समझते हैं। इसमें क्या कहा गया, आप इस बातों को ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, इसमें बोलता है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के आश्रमकों और स्थानों को सुरक्षित करेगा। जो राज्य में जितना भी राष्ट्रीय महत्व वाला जो स्थान होगा उसको सुरक्षित करने का कार्य कौन करता है, मतलब उसको देख रेख करने का कौन काम करता है, राज्य के नीति निर्देशक। उसके बाद देखिए बच्चों, अनुच्छेद 50, इसमें क्या बोलता है कि राज्य लोक सेवाओं में कार्यपालिकाओं को न्यायपालिका, कार्यपालिकाओं को किससे, न्यायपालिका। कार्यपालिका बच्चों अलग होते हैं, न्यायपालिका अलग होते हैं, उसको पृथक करने, मतलब कहने का मतलब होता अलग करने का प्रयास करेगी। अलग करने का प्रयास कौन करता है, राज्य के नीति निर्देशक। जितने भी ये सब राजनीति निर्देशक के क्या है, कार्य है, ये अनुच्छेद बाय अनुच्छेद आप लोगों को बताया गया। आपको मेंस एग्जाम में इसी को हम डिटेल बाय डिटेल लिखाएंगे, और जहाँ जहाँ बताएंगे वहाँ पर आप लोग ये अनुच्छेद यानी आर्टिकल को ऐड करते चलिएगा। वहाँ पर हम आपको बार बार पूछेंगे तो आप लोग बताइएगा। इसलिए आपको ये शॉर्ट में पीटी के सिलेबस में आप लोगों को हम सारे अनुच्छेद को समझा रहे हैं। उसके बाद बोलता है बच्चों अनुच्छेद 51, इसमें क्या बोलता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करे। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय जो अशांति फैल जाता है उसको भी अशांति और सुरक्षा का, शांति करने के लिए उसको सुरक्षा का प्रयास कौन करता है, राज्य के नीति निर्देशक। इतने सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिए, इतने सारे कार्य है राज्य में राज्य के नीति निर्देशक के। ये राज्य के नीति निर्देशक टॉपिक आप लोगों को समाप्त यहीं पर होता है बच्चों। और अनुच्छेद 1 से लेकर 51 तक आप लोग हम कवर कर चुके हैं। जाइए अगर जिसको भी पढ़ना है लाइन बाय लाइन, वह प्लेलिस्ट में जाइए और 1 से लेकर 51 तक देखिए, एक बार देखिए, आपको अनुच्छेद 1 से 51 तक कभी जिंदगी में भी नहीं भूलिएगा। बस बच्चों इतना ध्यान रखिए। और चलिए बच्चों, अब आगे की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को 51 से 51 में एक संशोधित किया गया था मौलिक अधिकार, भाग एक को संशोधित, भाग चार को संशोधित किया था मौलिक कर्तव्यों को, तो उसको ही हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।